दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों भारत में फिलहाल राम नाम की लहर दौड़ रही है और हर हिंदू राम राम कह रहा है। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सब राम नाम में डूबे हुए हैं। और दोस्तों राम मंदिर भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अयोध्या में सबसे पहले प्राचीन काल में राम मंदिर किसने बनवाया था? अगर नहीं तो बस बने रहिए वीडियो पर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे आपको अपने इस चैनल लखनऊ टेंपल जोन पर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। दोस्तों भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें, इस राम जन्म भूमि पर एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ था जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में अयोध्या नगरी में हुआ था, जो कि चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातत्व विभाग के सर्वे में बताया गया है कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। दोस्तों भूमि के अंदर दबे हुए खम्भे और अन्य अवशेषणों पर अंकित चिन्ह और भी कई चीजें होने से मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया है। दोस्तों अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में ये उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या पुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी का सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य होने का उल्लेख मिलता है। अयोध्या में पहले चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगे बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। देवराज इंद्र के अमरावती की तरह महाराजा दशरथ ने अयोध्या नगरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्म भूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने एक बार पुनः अयोध्या का निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्वल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्वल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्म भूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। आखिर किसने बनवाया था भव्य मंदिर, इसके बारे में ये उल्लेख मिलता है कि ईसी के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुँचे। विक्रमादित्य को इस जन्म भूमि से कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संत की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम जी की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्म भूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूले। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पर। आप सबका धन्यवाद।